तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है कि कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13, कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 है। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है बेटा कि जब भी कोई भी टर्म हो, ठीक है, यहाँ पे कॉस हो साइन हो कोई भी टर्म हो, हम सभी को टेन में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब टेन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें इजीली सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। तो सभी को टेन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो सर टेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर 12 अपॉन, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 को हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स किया गया, तो अब हम यहाँ से कॉस एक्स फाइंड करेंगे, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 25 माइनस 9 अपॉन 25, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, रूट अंडर 16 अपॉन 25, यही आएगा। तो हम इसको फर्दर ये भी बोल सकते हैं 4 अपॉन 5। तो यहाँ से हमारा जो कॉस एक्स की वैल्यू आया बेटा, क्या आ गया कॉस एक्स की वैल्यू, 4 अपॉन 5। तो यहाँ से हम ये जानते हैं कि टैन एक्स क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा। तो साइन एक्स की वैल्यू कितना है, साइन एक्स की वैल्यू 3 अपॉन 5, कॉस एक्स की वैल्यू कितना है, 4 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 अपॉन 4 हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि जो टैन एक्स है, टैन एक्स की वैल्यू क्या आ गया, 3 अपॉन 4। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स 3 अपॉन 4 लिख सकते हैं, और यही तो हमें यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 को एक्स मान लिया बेटा। ठीक है, अब यहाँ से साइन एक्स हमने कॉस एक्स फाइंड किया, अब हमने कॉस इन साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 को क्या कन्वर्ट कर दिया, टेन इनवर्स 3 अपॉन 4 में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे बेटा, लेट इसको भी कन्वर्ट कर देंगे, कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 को हमने एक्स मान लिया, कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 को, तो 12 अपॉन 13 इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन एक्स कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से साइन एक्स कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा बेटा 5 अपॉन 13, तो टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी, टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो हम ध्यान से देखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 13 13, यहाँ पे बचेगा 12 अपॉन 5। ठीक है, तो टेन यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी 5 अपॉन 12 बचेगा, 5 अपॉन 12 होगा। ठीक है, ये हमारा आ गया, तो टेन एक्स की वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, 5 अपॉन 12 हमने देख लिया। तो फिर इसी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसी टर्म को हम एज इट इज लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5 अपॉन 12 हम लोग लिख सकते हैं, और यही तो हमें यूज करना है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 था, इसको कन्वर्ट कर लिया टेन में, इसको भी टेन में कन्वर्ट कर लिया, अब हम इसको भी टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, अब हमने क्या किया, इसको भी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कन्वर्ट करने के बाद, तो लेट साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से बेटा साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गया, 56 अपॉन 65। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्ट अगर टेन की बात करें तो कॉस एक्स सिमिलरली सेम उसी तरह फाइंड करेंगे बेटा, तो टेन के एक्स की वैल्यू आएगी 56 अपॉन 33। तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा, टेन एक्स तो ये आ गया, तो एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 56 अपॉन 33। ठीक है, और यही वैल्यू हमें यूज करना है। तो मतलब अब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल आया रिजल्ट, मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, अब वही रिजल्ट को देखेंगे और हम वहाँ से प्रूफ कर देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेन इनवर्स 5 अपॉन 12 प्लस टेन इनवर्स 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 56 अपॉन 33। अब यही मुझे प्रूफ करना है। तो अब हम जानते हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से फार्मूला जानते हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y को, क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, और यही हमने फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू कितना है बेटा, एक्स इज इक्वल टू फाइव अपॉन ट्वेल्व है, वाई इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर है। ठीक है, और यहाँ पर हमें पुट कर देना है। तो ठीक है, अब हम जब पुट करेंगे बेटा तो टेन इनवर्स, अब यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या होगा, फाइव अपॉन ट्वेल्व प्लस थ्री अपॉन फोर अपॉन वन माइनस फाइव अपॉन थ्री अपॉन फोर। ठीक है, अब हमने इसको पुट कर दिया। जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे बेटा तो हमारा क्वेश्चन मतलब आ जाएगा, इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो 56 अपॉन 33 ही आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।